जाती नहीं है। बात तो सुने जनाब स्पीकर, आज मैं आपके एक सेकंड खामोशी खामोश रहे, देखें खुद भी बात करें दूसरे को भी बात करने दें, ये तो फिर इस तरह नहीं होगा कहीं पे भी। आपने कहा जी शाह साहब, जनाब स्पीकर ये इतना संजीदा मसला है, हजूर की शान में गुस्ताखी हुई है, गुस्ताखाना खाके पेश किए गए हैं, इस पे पूरी दुनिया में पूरी उम्मा में इस्तराब की कैफियत है, और आज इतना गैर संजीदा रवैया इस हसास मसले पे ऑपोजिशन का देखकर मुझे अफसोस हुआ। मुझे अफसोस हुआ कि ये एक ऐसा मुकद्दस मसले पर भी शासन खेलना चाह रहे हैं। हद तो तब हो गई जब शाह महमूद कुरैशी गुस्से में आ गए और गुस्से में चिल्लाने लगे कि आप लोगों के अंदर मोदी की रूह घुस गई है। आज जनाब स्पीकर बलूचिस्तान में खड़े होकर इनके प्लेटफॉर्म से बलूचिस्तान की आजादी के नारे लगे, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम पाकिस्तान की बात करते हो, आज मुझे लगता है और मुझे कहने दीजिए, नरेंद्र मोदी की रूह इसमें मुंतकिल हो गई है। ये वो आज जो बयानिया, जो हिंदुस्तान का बयानिया है, वो आज इनके इनकी भुट्टी में शामिल हो गया है जनाबे वाला। तो देखा आपने पाकिस्तान की संसद में किस तरह से मोदी नाम का खौफ चल रहा है। तो आप भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए।